इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से मिल रही है। रिवांचल एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला, जिसमें कांग्रेस एमएलए सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो आरपीएफ भोपाल डिवीजन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो महिला ने सागर जीआरपी से इसकी शिकायत की थी और सागर जीआरपी महिला को अपनी सुरक्षा में भोपाल लेकर आई थी। तो रिवांचल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे ये दोनों विधायक और महिला ने आरोप लगाया है कि दोनों विधायक नशे में थे। तो बड़ी खबर, सुबह से ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, मुद्दा ये गर्म है और महिला ने आरोप लगाया है कि दोनों विधायक नशे में थे। तो रिवांचल एक्सप्रेस में ये पूरी घटना हुई है, जहां पर महिला सफर कर रही थी अपने बच्चे के साथ और उस दौरान विधायकों ने उनके साथ बदसलूकी की। महिला ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि विधायक नशे में थे दोनों और दोनों विधायकों ने उनके साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद शिकायत भी करवाई गई और पति ने ट्वीट करके रेल मंत्री को इसमें टैग भी किया था कि शिकायत दर्ज नहीं हो रही है मामले में, जिसके बाद विधायकों की सफाई भी सामने आई। दोनों विधायकों ने अपनी अपनी सफाई में कहा कि महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं, गंदे आरोप हैं। उसके बाद राजनीति भी इसमें तेज हो गई, राजनीति की भी एंट्री हुई, जहां पर महिला संपर्क किया गया। इसके बाद एक एएसआई, दो हवलदारों को हमने रनिंग ट्रेन में एफआईआर लेने के लिए रवाना किए गए। आरोपी दो नाम आए हैं, एक सिद्धार्थ कुशवाहा करके हैं निवासी सतना और एक सुनील सराफ नाम आया है जो है कोतमा अनूपपुर के रहने वाले, जनप्रति हो या आम आदमी हो, नाम भर आए हमारे सामने। तारी अभी कायमी हो गई है, बयान व्यार अगर हो जाए महिला को बुलवाए 164 के बयान करवाएंगे, इसके बाद फिर गिरफ्तारी होगी। तो दोनों विधायकों ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। हाँ, हम लोगों ने 11 बजे के बाद कूपे के अंदर खाना खाया, खाना खाते समय हम लोगों की बात हुई, उस बात में उनको तो हमने टारगेट या हमारे दिमाग में उनके लिए तो कुछ था नहीं, हम तो आपस में बात कर रहे थे। हम आप बात कर रहे हैं, किसी को कोई बात बुरी लग जाए वो हो सकता है कि हम आपस में बात कर रहे हैं किसी को बुरा लग जाए, लेकिन हमने किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन उनने जो शिकायत की उसमें ये कहा गया कि आप लोग शराब के नशे में थे, कंधे पे हाथ रखा, कुछ बातचीत हुई, वो बहन का बहुत गंदा आरोप है और मतलब वो लोक लाज का विषय है, उनकी भी मान मर्यादा का है, मेरी भी मान मर्यादा का है। अगर उनको मेरे ऊपर आरोप लगा के कुछ मिलता है तो हासिल कर ले, अलग बात है, मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं। आपने उनसे कंप्लेन क्यों नहीं की, टीसी से कंप्लेन क्यों नहीं की, आपने अटेंडेंट को क्यों नहीं कहा, कोई चीज क्यों नहीं कहा, आप एकदम चले गए। अब आपके पति को क्या लगा, वो क्यों ट्वीट करने लगे, क्या चीज रात भर में क्या हो गया कि दो दो कांग्रेस के विधायक है, क्या हो गया? हम लोग जनता के लोग हैं, ये करेंगे? ये कोई पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में माताओं बहनों के साथ ऐसे मतलब हर तरीके से सब चीजें आदमी ये करता है, साजिश है, 100% साजिश है। उनके जो भी पति हो, जो भी बैकग्राउंड हो, आप देख लेना, मैं नहीं जानता कौन है, आप देख लेना उनका बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं विरोधी दल या कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन निकलेगा, एकदम साजिश है, एकदम सर। तो ये तो दोनों विधायकों की सफाई आपने सुनी, अब आपको आगे लिए चलते हैं और बीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर ये भी सुनवाते हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूं। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी ट्रेन के अंदर और उसके बाद उसने कंप्लेंट जाकर के की है। प्रियंका गांधी जी जवाब दें जरा, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं वो, कि आपके कांग्रेस के विधायक ने जिस प्रकार की घटना की है, प्रियंका गांधी को देश पूछना चाहता है। मैंने तो कहा था ये कांग्रेस का चरित्र ही है, भाजपा में उनका मूल चरित्र है इसी प्रकार से काम करना, ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर वीडी शर्मा हमलावर दिखाई दिए, अब बंसल न्यूज़ के क्या कुछ सवाल है ये सुनिए। विधायकों की कहानी में आखिर रोल क्यों,
शिकायत पर विधायकों का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? कोई महिला आखिर अपनी इज्जत दांव पर लगाकर आरोप क्यों लगाएगी? एफआईआर रुकवाने के लिए विधायकों ने क्यों दबाव बनाया? तो ये बड़े सवाल जो बंसल न्यूज उठा रहा है इस पूरे मामले पर। तो चलिए इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, जब जनप्रतिनिधि पर ऐसे आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर महसूस करते हैं कि हम आखिर सुरक्षित हैं या फिर नहीं। गंभीर मामला है ऋतु की, जिस तरीके से दो जनप्रतिनिधि, एक विधायक भी नहीं बल्कि दो विधायक एक साथ सफर कर रहे थे और दोनों विधायकों के ऊपर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, तो वाकई ये सोचने वाली बात है कि जब दो वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के ऊपर इस तरीके का आरोप लग रहे हैं तो आम जनता, जिनके ऊपर इनके मान सम्मान एवं मर्यादा की जिम्मेदारी रहती है, यदि वही इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम देंगे तो जनता का विश्वास किस पर होगा? क्योंकि विधायक एक विधानसभा का बड़ा नेता होता है, विधायक होता है, और जनता के हर एक सुख दुख में उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पर्याप्त भागीदारी उनकी हो, उनके मान मर्यादा की रक्षा करे, बहन बेटियों जो माताओं हैं उनके सम्मान की रक्षा करे। लेकिन जिस तरीके घटनाक्रम सामने आया है ये वाकई निंदनीय है और एक गंभीर मामला है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हाल ही में हम देख सकते हैं कि नवरात्रि में किस तरीके से माताओं बहनों का पूजन किया गया और उसके दो दिन बाद ही एक जिस तरीके की घटना आई कि शराब पीकर दो विधायकों ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, आपस में बातचीत करते हुए गाली गलौज कर रहे थे और उसे छूने की कोशिश भी की, जैसे कि महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, तो वाकई बहुत गंभीर मामला है और सोचने पर मजबूर करने वाली बात है, घटना है। और यही कारण है कि बीजेपी ने भी आड़े हाथ लिया है कि दो विधायक यदि इस तरीके घटनाक्रम करते हैं शराब के नशे में तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या विचारधारा होगी महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर, उन माताओं को लेकर। क्योंकि यदि वो वरिष्ठ है, शराब पीकर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि दिन में उनकी पोशाक क्या रहती है और शाम को उनकी पोशाक क्या रहती है। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहता है तो विधायक के फेस में रहता है, लेकिन शाम होते ही यदि उसका भेष बदल जाता है तो जिस तरीके की घटनाक्रम सामने आया है ये वाकई एक निंदनीय, और यही कारण है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं और जो कांग्रेस नेता हैं, विधायक हैं, उनकी कथनी करनी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और भोपाल से लेकर ये मामला दिल्ली तक इसलिए गूंज रहा है कि प्रियंका गांधी का जो नारा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और ये चरितार्थ जो है वो एक महिला ने की है जिसने कांग्रेस विधायकों को मुंह में आईना दिखाया, नहीं कह सकते हैं आईना दिखाया, किस तरीके से उसने लड़ाई लड़ी। तत्काल उसने अपने पति को जानकारी दी, पीएमओ को ट्वीट किया, डीआरएम को ट्वीट किया, तब जाकर वहां तत्काल जीआरपी के पदाधिकारी पहुंचे, सिपाही पहुंचे और महिला को अपनी सुरक्षा में भोपाल तक लेकर आए। ऋतु, तो बिल्कुल ये तक जरूरत आ पड़ी कि सुरक्षा में महिला को जो है भोपाल तक लाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम बातचीत के लिए।